ये जो मैं गले में मंगलसूत्र डाला हूँ इसका कोई मतलब है कि नहीं। कई सारे लोग के मतलब इसके ऊपर कमेंट था और मुझे व्हाट्सएप पे ज़्यादातर देखने को मिला और यूट्यूब पे और इंस्टा पे तो मिला ही। तो हमारा अभी तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे कि लिखा है डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर एमपी इंडिया, तो आपका ऐसे ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अभी पांच प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो ये वाला 6 और तीनों का जो पैटर्न है, कहने का मतलब कि जो ऊपर का मतलब कि जो ये है ये बराबर एक जैसे है और एक ही चीज़ लिखा गया है सभी में, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ ऐसा ही है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा मेरे पास 5 ठो आइडेंटिटी कार्ड हैं और यहाँ पे मैं आज का वीडियो यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और कंप्लीट जान पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रवीण पेन का और फिर से पीके पेन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ये क्या पहना हूं, तो जी आज का हम वीडियो बात करने वाले हैं, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, यूजी पीजी पीएचडी। ये जो मैं गले में मंगलसूत्र डाला हूँ इसका कोई मतलब है कि नहीं? कई सारे लोग के मतलब इसके ऊपर कमेंट था और मुझे व्हाट्सएप पे ज़्यादातर देखने को मिला और यूट्यूब पे और इंस्टा पे तो मिला ही। तो हमारा अभी तक इंस्टा मुझे फॉलो नहीं किया है, तो प्रवीण पेन का फॉलो कर सकते हैं या पीके पेन का। और हमें अभी तक टेलीग्राम चैनल में मतलब ज्वाइन नहीं किया है हमारे पीके पेन के चैनल, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कहने मतलब और अदर सोशल मीडिया हमारे व्हाट्सएप न्यू स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं जी आज। हाँ मैं इस मंगलसूत्र की बात कर रहा हूँ, इस कहने का मतलब कि ये मंगलसूत्र नहीं है, बस आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कार्ड के बारे में आज बात करने वाला हूँ और यूनिफॉर्म के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो आप लोग आइडेंटिटी कार्ड और यूनिफॉर्म के बारे में कंप्लीटेड वीडियो देखिएगा। तो वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको इस प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए और यूनिफॉर्म चाहिए, उसके पहले आपको एडमिशन करवाना होगा। तो आप एडमिशन का फॉर्म भरोगे, फिर आप फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एडमिशन होगा, एडमिशन यानी काउंसलिंग होगा, आपका डॉक्यूमेंट जमा होंगे, ठीक है। काउंसलिंग में तो काउंसलिंग ही एडमिशन है, आप लोग ये देख लीजिए, नहीं तो काउंसलिंग वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें पीके पन का मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म से रिलेटेड, यानी कि ड्रेस से रिलेटेड और आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड। तो चलिए मैं ये सब मंगलसूत्र उतार देता हूँ, बहुत ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ये बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास हो चुके हैं जो कि मैं एकदम परेशान हो चुका हूँ, और आप लोग भी सोचते होंगे कि इस प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड शायद हमें भी मिल जाता तो अच्छा रहता। तो चलिए ये सब मेरे आइडेंटिटी कार्ड हैं और यहाँ पे जैसे कि मैं ऑलरेडी कहने का मतलब कि चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले मैं बता दूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यानी कंप्लीट देखिएगा, तभी कंप्लीट जानकारी समझ पाएंगे। वीडियो को बढ़ाइएगा मत, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो में और साथ ही मैं बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर लें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये आइडेंटिटी कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये मेरे पास इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेरा ही आइडेंटिटी कार्ड है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी कार्ड की बात करेंगे, फिर इसके बाद यूनिफॉर्म की बात करेंगे।
तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं अपना एक आइडेंटिटी कार्ड उठा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ ये ठीक है, अभी प्रेजेंट का है आपको प्रेजेंट में, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा यहाँ ऊपर, तो ये ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ रेड में, ये यहाँ पे लिखा होगा डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय और सागर एमपी इंडिया ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया। अब रही बात कि आइडेंटिटी कार्ड लिखा होगा, फिर आपका नीचे फोटो लगा रहेगा, फोटो जो आपको प्रोफाइल में दिए रहेंगे वही फोटो लगेगा ठीक है, जो काउंसलिंग में दिए रहेंगे वही फोटो लगने वाला है ठीक है, फिर आपके बाद रहेगा आपका नाम रहेगा ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड का वो रहेगा कि कौन से सन का है, आपका नाम रहेगा, आपका फादर्स का नाम रहेगा यानी कि पिताजी का नाम, और मदर्स आपका माताजी का नाम रहेगा यानी कि, और क्लास और सेमेस्टर रहेगा ठीक है, क्लास और सेमेस्टर रहेगा आपका, क्लास में आपका जैसे कि कोर्स में क्लास को हम कोर्स कह सकते हैं, जैसे कि बीए बीएससी बीए बीएड बीएलएलबी ठीक है ना, बीकॉम इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे जैसे कि सेमेस्टर तो आप जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, तो कई सारे सेमेस्टर होते हैं, तो सेमेस्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बताया चुका हूँ कि क्या है सेमेस्टर, और यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा आपका क्लास रहेगा, क्लास में बीए बीएससी बीएड रहेंगे ठीक है, बीए बीएड बीएलएलबी, और यहाँ पे सेमेस्टर आ जाएंगे तो सेमेस्टर रहेगा, फिर नीचे आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप जैसे कि जो सब्जेक्ट से रहेंगे उस सब्जेक्ट का आपका रहेगा, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी ठीक है ना, या फिर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, या फिर हिंदी, फिर एलएलबी के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं ये सब आपके रहेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट या फिर बीकॉम ठीक है, फिर इसके बाद उस मतलब कि शॉर्टकट में रहेंगे, और साथ ही फिर आपके बाद आपका रोल नंबर आएगा, जो रोल नंबर रहता है वो रोल नंबर रहेगा आपका नीचे, जैसे कि जो 22 स्टार्ट होगा आपका, फिर आपका स्कूल आ जाएगा, तो स्कूल में आप लिख सकते हैं, स्कूल में आपका लिखा रहेगा, जैसे कि अगर मैं बीए की बात करूं तो बीए में लिखा रहेगा कि आर्ट लिखा रहेगा, फिर आर्ट के बाद लिखा रहेगा HSS, या फिर अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम में भी बहुत सारे लिखे रहते हैं, जैसे बीकॉम या फिर जैसे SSS बीकॉम का, तो बीए का भी, तो बीए का तो ऑलरेडी मैं बता दिया, बीएससी का भी ऐसे शॉर्टकट में रहेगा नाम, जैसे कि सोशल सामाजिक, तो ये सब SSC और बीएड सबका ही रहता है अलग अलग, तो ये सब रहेंगे ठीक है। अगर हम बात करें इसकी पट्टी की, इसकी जो पहनने वाली है, तो ये पहनने वाले में इसका नाम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे, अरे यार फंस रहा है सॉरी बट इसको उठा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहेगा आपका ये यहाँ पे कि डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, और लास्ट में सागर एमपी इंडिया ठीक है, सागर एमपी इंडिया, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये लिखा हुआ है ठीक है, सागर एमपी इंडिया, तो ये ऐसा रहेगा ठीक है। अब आगे हम बात करें तो आइडेंटिटी कार्ड, बहुत लोग जैसे कि कमेंट था व्हाट्सएप पे और ऐसे भी जगह, तो आप लोग बोल रहे थे कि आइडेंटिटी कार्ड कैसे होता है, तो आइडेंटिटी कार्ड किस प्रकार रहता है, तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड ये है मेरे पास ये इतना, और ये आपका यहाँ पे सिंबल भी बना रहेगा, सिंबल देख पा रहे होगे यहाँ पे, जैसे कि हरी सिंह गौर का सिंबल रहता है ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड की बात तो कंप्लीट हुई, अगर अभी भी कोई नॉलेज लेना हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालने और फिट करने की बात है, तो यहाँ पे मैं निकालने और फिट करने की बात को बता दूँ आप लोगों को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इसको प्रयोग मतलब कि यहाँ पे ये अलग सा रहेगा, कहने का मतलब आपका जो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है वो सिर्फ इतना रहता है ठीक है, इतना रहता है, ये कार्ड का ये जो रहता है ये प्लास्टिक का, और ये जो रहता है ये सभी का एक जैसे भी हो सकता है और अलग अलग हो सकता है, बस आपका चेंजेस होता है, ये चेंज होता है कार्ड जो होता है आइडेंटिटी कार्ड ये चेंज होता है, और बाकी जो इसका प्लास्टिक का है तो ये सबका सेम रहता है, और ये इसका साइज भी सबका सेम साइज आता है ठीक है, सबका सेम साइज आता है, जिसमें से कोई दिक्कत नहीं होता है ना। कई आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, तो दोस्तों इसमें और इसमें डिफरेंट ये है कि ये पुराना है ठीक है, और ये वाला नया है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये न्यू आया है अभी 2019 और 20 की बात करूँ तो ये 2019-20 की आइडेंटिटी कार्ड है,
और 21 में तो लॉकडाउन ही हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि ये आपको मिल जाएगा और ये साइज ही अलग अलग रहेंगे। चलिए, कई सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि क्या आइडेंटिटी कार्ड हर सेमेस्टर में अलग अलग मिलता है, तो मैं बता दूं कि हर सेमेस्टर में अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कि नहीं। तो जैसे देखिए, पहले क्या होता था, पहले हर सेमेस्टर का अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड मिलता था, ठीक है। से फर्स्ट सेमेस्टर का अलग, जैसे कि यहाँ पे ये जो मैं पहना हूँ ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही मेरा है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का, तो अब क्या होने लगा है, अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर एक साथ एक आइडेंटिटी कार्ड में ही मिलता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर एक आइडेंटिटी कार्ड काम करेगा, यानी कि एक साल, ठीक है, माने कि फर्स्ट ईयर। जैसे ही सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर लिख जाएगा, तो आपको दूसरा आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप जब थर्ड ईयर में जाओगे तो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर ऑलरेडी लिखा रहेगा, तो आपके पास अगर 3 ईयर का कोर्स है जैसे कि बीए वाले, तो वह या फिर एलएलबी वाले, या फिर जो बीए एलएलबी होते हैं 5 ईयर वाले, या फिर जो बीए बीएड वाले होते हैं 4 ईयर वाले, उनका सेमेस्टर चेंज होता जाएगा। कहने का मतलब कि एक आइडेंटिटी कार्ड 2 सेमेस्टर का काम करता है। तो चलिए इसको हम फिट कर देते हैं। फिट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, ये कोई भी रहेगा, और इसको यहाँ पे फिट, यहाँ पे सेव कर दिए, ये सेव कर दिए, और यहाँ पे अब इसको हम गले में भी पहन सकते हैं, तो ऐसे पहन लेंगे। चलिए हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म क्या कैसे रहेगा दोस्तों। जैसे कि यूनिफॉर्म की बात हम करें, तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जैसे मैं बता दूँ आप लोगों को कि अब से, कहने का मतलब बहुत दिन से हो गया, यूनिफॉर्म का जो रूल होता है, यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस दोस्तों, ड्रेस आप लोगों का क्या यूनिवर्सिटी में लगता है, सागर यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिफॉर्म नहीं लगता। जी हाँ, मेरे सारे कई फ़ोटो आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें यूनिफॉर्म का जिक्र मैंने नहीं किया है। और एक वीडियो है जो मैं पिछले साल बनाया था, तो वह वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, उस वीडियो को देखेंगे तो यूनिफॉर्म के बारे में अच्छे से मैं बताया गया है, अच्छे से बताया हूँ। हाँ, यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि मैं इसको पहना हूँ, ठीक है, तो अगर कपड़ा प्रेस है, अच्छा साफ है, तो हम इसी को पहन के भी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म का जो रूल रहता है, कहने का मतलब यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म कौन डिसाइड करता है, कौन क्लियर करता है, तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि जो बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीए वाले तो ऑलरेडी सब नेतागिरी में रहते हैं, कोई पहनता नहीं है, ठीक है, वैसा भी इधर उधर घूमते रहते हैं, बस जो बीएससी वाले होते हैं या फिर बीकॉम वाले होते हैं, थोड़ा फैशन वाले के रहते हैं, ठीक है, फैशन हीरो टाइप के रहते हैं, वह स्टूडेंट क्या करते हैं कि वह स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, जो प्रॉक्टर होते हैं या फिर एचओडी होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेड होता है, ठीक है, वह अगर कई सारे स्टूडेंट जैसे कि 10-15 स्टूडेंट हो गए या 25-30 स्टूडेंट हो गए, और वह स्टूडेंट जाके एचओडी को बोलता है कि आप, मतलब हम लोग के लिए यूनिफॉर्म की लिए इजाज़त दे दीजिए, तो वहाँ से जब स्टूडेंट का मांग रहता है तो वह यूनिफॉर्म वहाँ वो लोग पहनते हैं और जाते हैं, वो खुद ही अपना यूनिफॉर्म निर्धारित करते हैं, यानी कि अपना यूनिफॉर्म खुद कई सारे स्टूडेंट सिलेक्शन करते हैं किस प्रकार रहेगा, वाइट शर्ट रहेगा, ब्लैक पैंट रहेगा, या फिर कैसे रहेगा, तो वह खुद क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आइडेंटिटी कार्ड, बट यूजीसी से कोई निर्देश नहीं आया, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन से या सागर यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आप शादी वाला भी कपड़ा पहन के जा सकते हो, और मतलब कि वैसे भी मेरा भी कई बार आप लोग तो देखे होंगे, मैं हमेशा यूनिवर्सिटी का जब भी वीडियो देखता हूँ या फिर दिखाता हूँ, तो आप लोग देखे होंगे कि मैं हमेशा लोवर पे ही रहता हूँ, क्योंकि देखो मैं पहली बात तो लोवर में पहनना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम फ्री रहता है, और खेलते कूदते या फिर कहीं भी घूमते फिरते मैं ज़्यादा लोवर का ही यूज करता हूँ, क्योंकि पैंट तो यूज कब करता हूँ, जब कहीं ज़रूरत होता है या फिर क्लासरूम में जाता हूँ, तो फिर। तो आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड ख़त्म हो गई बात, और यहाँ पे ड्रेस की बात हो रही है, यूनिफॉर्म की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म में आप लोगों को, कहने का मतलब कि जो पसंद हो वह पहन के जा सकते हो, और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप शादी वाला भी कपड़ा पहन के जा सकते हो और बिन शादी वाला भी कपड़ा पहन के जा सकते हो, बट अपने आप को अच्छे से स्मार्ट दिखने के लिए, हीरो दिखने के लिए आप
अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनोगे। बट एक बात और है, एक बात और क्लियर कर लो आप लोग, कि जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं कि जैसे जो बड़े आदमी रहते हैं, बड़े अच्छे घर के स्टूडेंट रहते हैं, अच्छे घर के स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि अच्छे आप नहीं, अच्छे आप भी हो, कहने का मतलब ये है कि आपकी इनकम, आपके फादर्स का, पेरेंट्स का, जो माता पिता का इनकम है वो अच्छा है। तो जो कई सारे STSC के स्टूडेंट रहते हैं वो हमेशा, जैसे कि मैं हमेशा क्या है कि वैसे ही कपड़े पे जाता हूँ, मतलब कि ज़्यादा फैशन नहीं रहता, कहने का मतलब सिंपल सा रहता हूँ, तो कोई स्मार्ट बनने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने गया हूँ और पढ़ने के लिए स्मार्ट बनने की ज़रूरत कपड़ों पे नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऊंच नीच की भेदभाव बिल्कुल मत करिएगा, वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो ऊंच नीच भेदभाव करते हैं। मान लीजिए कि आप कोई गरीब परिवार से हैं और जैसे कि मैं, और वहाँ से आप अगर ए अच्छे स्टूडेंट को देख रहे हैं, कहने का मतलब जिनके माता पिता अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और उन स्टूडेंट को अगर आप देख रहे हैं और अपने घर में जाके जिद करेंगे कि नहीं आप लोग के मतलब हम लोग को कपड़े दीजिए, अच्छे कपड़े दीजिए, है ना, तो उसका जिक्र मत करिएगा, क्योंकि माता पिता बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। अब आप बड़े हो चुके हो और आप वह खुद समझ सकते हो कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है आजकल। तो आप लोग कहने मतलब कि मैं बहुत वीडियो को लॉन्ग ना बनाऊंगा, तो आप नीचे जाके और दूसरा वाला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा जो पहले मैंने बनाया था एक यूनिफॉर्म से रिलेटेड। तो यह वीडियो एलईडी कार्ड का था, बट यूनिफॉर्म के लिए मैं बता दिया कि यूनिफॉर्म भी कैसे क्या रहेगा। और अगर कहने का मतलब आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर से अभी तक मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा हो, नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें से जो भी नई नोटिफिकेशन हो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और कहने का मतलब अभी हमारा न्यू स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल PKPen का ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, वहाँ न्यू नोटिफिकेशन, अच्छी अच्छी जानकारी मिलता रहता है। तो अगर आपके दिमाग में अगर अब भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड। अदर वीडियो मैं कब लाऊंगा, मतलब कहने का मतलब नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर रहेगा, अभी मैं देख रहा हूँ फिलहाल हॉस्टल का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, तो हॉस्टल का ऊपर अभी वीडियो 1 वीक तो नहीं बन पाएगा, और जल्द ही आएगा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हॉस्टल का वीडियो। कहने का मतलब कि जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट रहेंगे उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो आएगा, और तुरंत वीडियो आता है जो कमेंट ज़्यादा रहते हैं। आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर ज़्यादा कमेंट था और यूनिफॉर्म के ऊपर, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। तो यह वीडियो कितना ही हेल्पफुल रहा, अगर कुछ नॉलेजफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड के लिए और ऐसे ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा।